जो कुछ आप इस वीडियो में देखने वाले हैं आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन सच्चाई तो यह है, आप जो देख रहे हैं अद्भुत है। जहां इंसान के प्रति जानवर का असीम प्रेम अकल्पनीय है, आश्चर्य से भरा है। घटना हजारीबाग के चौपारण की है, पूरी बात आपको बताएंगे। पहले आप सुनिए गांव वाले क्या बात कर रहे हैं। भावनाएं शायद इंसानों में कम हो गई हो, लेकिन जब आप देखेंगे सुनेंगे एक बाछे की अपने मालिक के प्रति अद्भुत प्रेम, जो निशब्द होकर भी सब कुछ कह गया। नंदी ब्रह्मचर्य ज्ञाने होते हैं, हमारा यही संस्कृत। पहली बार देख रहे हैं, बताइए कि जानवर को आभास हो गया कि मेरा मालिक अब नहीं रहा। वही बोल रहे हैं कि सामने में इतना, मतलब जिसका कोई नहीं होता है उसका लक्ष्य। वो तो बात सही बोल रहे हैं। देखिए मना कर रहा लग रहा, मतलब कि कहा है इसको। आदमी का किया हुआ खत्म हो जाता है, लेकिन देख लीजिए क्या मिल लो इस अद्भुत घटनाक्रम के बारे में आपको बताते हैं। हजारीबाग चौपारण चैथी के रहने वाले 72 वर्षीय मेवालाल जी की मृत्यु हो गई है। मेवालाल जी, जिनके कोई बच्चे नहीं थे, निसंतान थे, उन्होंने एक गाय पाली थी, उससे एक बछड़ा हुआ था। बछड़े को मेवालाल जी बहुत प्यार करते थे। आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने 3 माह पूर्व उसे बगल के गांव पिपरा में बेच दिया था। शनिवार की सुबह मेवालाल जी की मृत्यु हो गई और इस बात का एहसास उस बछड़े को हो गया था जो कि बगल के गांव में था। बछड़ा, जिसे अपने मालिक का इस दुनिया से अलविदा कहने का आभास हो चुका था, अचानक मालिक के गांव चैथी शमशान घाट पहुंच गया, जहां पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन होना था। आपने देखा बछड़े को रंभाते हुए, छटपटाते हुए, लोगों को समझ नहीं आया। मौजूद गांव वाले बछड़े को भगाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन बछड़ा बिना बताए गांव वालों को एहसास करा गया। वह वही बछड़ा था जिसे पैसे की तंगी की वजह से मेवालाल जी ने बगल के गांव में बेच दिया था, जिसे वह बहुत प्यार करते थे। बछड़ा का रंभाना वैसा ही था जैसे इंसान का अपनों से बिछड़ने पर रोना। इतना ही नहीं, बछड़ा अपने मालिक के शव के पास से हटना नहीं चाहता था, मानो मालिक को उठाना चाहता हो। गांव वाले इस अकल्पनीय भावनात्मक दृश्य को देख रहे थे। बछड़ा मालिक के माथे और पैर को चूम रहा था। शव जब तक पंचतत्व में विलीन ना हुआ, बछड़ा वहां से कहीं नहीं गया। सबसे खास बात, जब गांव वाले ऐसी आश्चर्यजनक अद्भुत तस्वीर के साक्षी बन रहे थे, उनकी भी आंखें नम हो रही थी। बछड़े का अपने मालिक के प्रति ऐसा दुर्लभ लगाव देखकर बछड़े को निसंतान मृतक मेवालाल के पुत्र की संज्ञा देकर दाह संस्कार में शामिल करवाया। चिता पर रखे शव की गांव वालों के साथ बछड़े ने भी परिक्रमा की। बछड़े का शमशान घाट पहुंचना लोगों को चमत्कार लग रहा था। गांव वाले बात कर रहे थे, यह कैसे संभव है कि 3 माह पूर्व दूसरे गांव में जिस बछड़े को बेच दिया गया हो,
उसे अपने मालिक की मौत का एहसास हो जाए। पूरी घटना अकल्पनीय है। जहां सिर्फ प्रेम है और वह निशब्द है, मालिक और उस बेजुबान बछड़े के बीच अटूट संबंध है, जो मरकर भी जिंदा है, जिसे सबने एहसास किया, शायद आपने भी।